दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि आप लोग ITBP ट्रेड्समैन 287 पोस्टों में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो ट्रेड टेस्ट कब होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट में पूछेगा या सामने प्रैक्टिकल करवाएगा, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चाहे आप सफाई कर्मचारी से हैं, चाहे कोबलर हो, चाहे टेलर हो, चाहे बारबर हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, कोई भी आपका ट्रेड हो, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए। यदि आप ITBP ट्रेड्समैन 287 पोस्टों में फिजिकल पास कर लिए हैं या आगे आपका फिजिकल है, दोस्तों यहां पर ट्रेड टेस्ट जो है वह 50 नंबर का होने वाला है। कान खोल के सुन लीजिए, जी हाँ, 50 नंबर का, और 50 नंबर का आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। यदि आप फिजिकल पास कर लीजिएगा, फिजिकल में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, समझ गए, ये वीडियो हम बनाकर बता दिए हैं। फिजिकल पास कर लीजिएगा तो आपका लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा के लिए इस चैनल पर क्लास चलने वाली है, धमाकेदार, बिल्कुल फ्री, कहीं आप लोगों को बैच पैसा देकर नहीं खरीदना है, समझ गए। 50 नंबर का एग्जाम होगा, GK JS हिंदी रीजनिंग मैथ, इसी से प्रश्न आएंगे, 10वीं लेवल का प्रश्न होगा, समझ गए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए, जिसको क्लास लेना है फ्री में ITBP का। अब बात करते हैं हमारा ट्रेड टेस्ट। तो दोस्तों यहां पर हमें आशा और विश्वास है कि हमारे जितने बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो हमारी क्लास में आते हैं तो 100% वह एग्जाम निकाल लेंगे, मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा, समझ गए। तो आप लोगों को बता दें कि ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बता दें कि जब ट्रेड टेस्ट होगा चाहे किसी भी पोस्ट का, तो आप फिजिकल पास कर लीजिएगा, एग्जाम पास कर लीजिएगा, तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा नहीं जाएगा, सीधा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जो नाई है सीधा जवान को बाल कटवाया जाएगा, जो मोची है जूता कटवाया जाएगा, चमड़े कटवाए जाएंगे, जूते सिलवाए जाएंगे, चमड़े काटने का औजार को किस प्रकार से रख रखाव करना है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे सफाई संबंधित सभी इक्विपमेंट पूछे जाएंगे और करवाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा काम करने पर, यदि आप धोबी हैं, यदि आप नाई हैं, यदि आप सफाई कर्मचारी हैं, तो कौन सा काम करने पर कितना नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 50 नंबर है तो कोई भी पूछ दे, दो पूछ दिया हम पास हो गए, 50 नंबर, ऐसा नहीं है, समझ गए। जो काम दिया गया है उस काम करने पर उतना नंबर फिक्स है कि 10 नंबर मिलेगा, या जूते काटने, चमड़ा काटने पर 10 नंबर मिलेगा, जूते सिलने पर 20 नंबर मिलेगा, झाड़ू लगाने पर 50 नंबर मिलेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से है। तो चलिए चलते सीधा नोटिस पे और एक एक चीज बताते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिएगा। और बता दें कि अभी फिजिकल होगा केवल, जो आप लोगों का फिजिकल अभी चल रहा है, और फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और एग्जाम की तैयारी इसी चैनल पर करेंगे। चाहे आप ITBP एनिमल है, ITBP हेड कांस्टेबल है, ITBP टेलीकम्युनिकेशन है, किसी भी भर्ती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ITBP पशु परिवहन सिपाही एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों ये बुक 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है, साथ में इस बुक में 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, हल एवं व्याख्यात्मक सहित, साथ में 20 प्रैक्टिक सेट दिए गए हैं जो हल एवं व्याख्यात्मक सहित है। दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए और ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए इस बुक को ऑनलाइन खरीद लीजिए, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो नोटिस है जहां पर ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे और आप लोग बने रहिए टेलीग्राम।
तो देख सकते दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का लिखित परीक्षा 50 मार्क का होने वाला है, ध्यान से देख लीजिए 50 मार्क का होने वाला है, जिसमें से आप लोगों को 18 मार्क लाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस मैन को, और एससी एसटी ओबीसी को 17 मार्क यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को थर्ड फेज में होगा, जो बच्चे फिजिकल और लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उनको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा 50 मार्क का, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कांस्टेबल टेलर, देखिए टेकिंग मेजरमेंट कटिंग स्केचिंग यूनिफॉर्म विंटर द समर, यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी और सर्दी कपड़ा कटिंग करना है, समझ गए, फोर्स को और माप लेना है, ये 15 नंबर का है। कपड़ा कटिंग करना, गर्मी और ठंडी का और फोर्स को मेजर करना मतलब माप लेना 15 नंबर का है। इसके बाद नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स मटेरियल फैब्रिक यूज इन ट्रेड वर्क, मतलब कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप डिफरेंट टाइप के कपड़ा को यूज करेंगे जगह जगह पर, तो समझ गए, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कैपेबिलिटी कैरी आउट मिनर, यहाँ पर दिया गया है मेंटेनेंस, मतलब कि आप सिलाई मशीन को कितना अच्छा मेंटेनेंस कर पाते हैं, कितनी अच्छी आपकी नॉलेज है, 15 मार्क इसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि मशीन के जितने भी टूल हैं सभी का अच्छी तरह से जान पहचान हो, मतलब आपके सामने टूल दे दीजिएगा कैंची और बोलेगा बताओ इसका क्या काम है, और इससे सवाल आप पूछे जाएंगे तो 10 मार्क का वो होगा, मतलब 50 मार्क का आपका टेलर का होगा। तो इसी प्रकार से ग्राइंडर का देख लीजिए, कोबलर का देख लीजिए, जो आपका प्रश्न आता है सफाई कर्मचारी में देख लीजिए, तो आपको सफाई संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं, ब्लॉक्ड स्वीवर पाइप लाइन लैटरिन, ये सभी का आपकी जानकारी होनी चाहिए, जो 50 मार्क का होगा। और आप लोगों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यदि कोई पाइप ब्लॉक हो गया तो उसको कैसे सही करना है, समझ गए, किसी भी बाथरूम को किस तरह से सफाई करना है, कौन कौन सा उसमें, मतलब आपको सफाई संबंधित 1 2 3 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो पहला रहेगा 10 नंबर का, दूसरा रहेगा 15 नंबर का, और फिर 10 और 15 नंबर का, इसी तरह से 50 नंबर का रहेगा। फिर वाशर मेन को देखिए, वाशर मेन को वॉशिंग टाइप क्लॉथ, मतलब कि यहाँ पर कितने टाइप के क्लॉथ कपड़े होते हैं, इससे 15 नंबर पूछा जाएगा। आयरन करने का 10 नंबर दिया जाएगा। नॉलेज ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ, मतलब कि ड्राई क्लीन करने के लिए कपड़ा को 10 नंबर मिलेगा। और नॉलेज डिफरेंट टाइप साबुन पाउडर्स का, इसका आप लोगों को 15 मार्क मिलेगा, मतलब 50 मार्क का होगा। तो प्रत्येक जिसमें भी आप ट्रेड में हैं भाई, 50-50 मार्क का आपका यहाँ पर कराया जाए। देखिए बार बार का हेयर कटिंग जो अलग अलग टाइप है 20 मार्क, बॉडी हैंड मसाज 15 मार्क, नॉलेज अबाउट टूल मैकेनिकल, मतलब कि बाल काटने दाढ़ी बनाने का 20 मार्क मिलेगा, और बॉडी मसाज का 15 मार्क मिलेगा। नॉलेज अबाउट टूल मशीन, मतलब कि आपके जितने भी बार बार में जितने भी टूल यूज किए जाते हैं उनको आपको यहां पर 15 मार्क मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों से सभी चीज़ प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे और पास होना अनिवार्य है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 50 मार्क का क्वेश्चन आपसे ट्रेड टेस्ट में किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा के लिए इस चैनल पर हम क्लास चलाएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी में और लिखित की परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाइए, बहुत कम समय बचा है। यदि आपके पास कोई और आप यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या लाइव क्लास में आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।